एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे, कुक की छुट्टी है, हाउस हेल्पर की छुट्टी है, तो पूरा दिन हम लोग अपने हिसाब से बिताएंगे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। आई नो ये सुन के थोड़ा वियर्ड लगता होगा क्योंकि जनरली लोग परेशान हो जाते हैं जिस भी दिन कुक नहीं आती है, हाउस हेल्पर नहीं आती है। मेरे साथ आपने देखा होगा उल्टा है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है गुड ओल्ड डेज की तरह कि कोई आने वाला नहीं है, अपने टाइम पे अपने पेस पे आप काम करते हो, तो एक दिन वीक में अच्छा लगता है। हाँ, बाकी दिन अगर ये रोज होने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक दिन तो सबको अच्छा लगता है, तो वो मुझे पसंद है। एनीवेज, तो संडे है तो खाना मुझे बनाना है, तो मैंने आज क्या किया है ना, सुबह उठते ही खाने की तैयारी शुरू कर दी है। मैं फुल एक्टिव हूँ क्योंकि मुझे आज दिन में बहुत सारे काम करने हैं, शाम को कहीं बाहर भी जाना है और बहुत सारा कुछ है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है ना, मैं पहले ही आपको ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देख रही थी कि 70% लोग जो मेरे वीडियोज को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब बटन नहीं प्रेस किया। बिल्कुल फ्री है आपके लिए, मुझे मिलेगी मोटिवेशन तो उसको पहले प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। आज सुबह सुबह नाश्ते के साथ ही ना मैंने लंच की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो नाश्ता किया, इधर चाय बन रहा है और इधर में मैंने राइस भी चढ़ा दिया। एक्चुअली मुझे बनाना है पीस फ्राइड राइस, मटर फ्राइड राइस बेसिकली, तो उसके लिए मैंने सोचा कि पहले से राइस बना लेते हैं और उसके साथ में बनाऊंगी दाल। तो दाल में बनाऊंगी चना का दाल, ये बहुत अच्छा लगता है पीस पुलाव या पीस फ्राइड राइस के साथ में, तो इसको भी मैंने अभी सुबह डाला है। एक्चुअली कल रात को नहीं डाला, तो अर्ली मॉर्निंग डाल दिया है, तो 2-3 घंटे बाद इसको कुक कर लूंगी। तो आज तैयारी जो है सब साथ साथ में स्टार्ट कर दिए। मुझे करना है बालों को कलर, इसीलिए मैंने ये वाला पहन लिया। ये वाला ना इतना मुझे पसंद था ना नाइट वेयर, पर अभी उतना फिटिंग अच्छे से आती नहीं है, तो ये पहन के लगा लेती हूँ, इनकेस कहीं पे कलर लगे ना तो चलेगा। वैसे कलर लगेगा नहीं क्योंकि ना मुझे सिर्फ आगे आगे की तरफ करना है, आगे ये सारे जो है ना मेरे ग्रे हेयर्स आपको ये देखिए दिखेंगे। मुझे ना एक्चुअली ग्रे हेयर स्टार्ट हो गए लॉकडाउन के टाइम से, मुझे लगता है उस टाइम जो मुझे टेंशन होती थी ना, अंगद ऑफिस जाता था, पता ही होगा अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो, उसको एकदम लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, पूरा फैला हुआ था ना कोविड, उस टाइम पे अंगद के ऑफिस जाने का था, तो मुझे बहुत टेंशन होती थी और वैसे भी इन जनरल मुझे टेंशन होती थी पापा को लेकर भी, अपने आप को लेकर, अंगद को लेकर। मैंने देखा उस टाइम से मेरे बाल धीरे धीरे ग्रे होने लगे, तो सच में अगर आप टेंशन लेते हो तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और फिर उसके बाद तो बढ़ते ही रहे बढ़ते रहे। मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने शेयर भी किया था, इंडिगो पाउडर और हीना मिक्स करके, बड़ा अच्छा रहता है। अगर आपको एकदम नेचुरल में चाहिए ना तो आप इंडिगो पाउडर लगाइए, थोड़ा प्रोसेस रहता है, 2-3 दिन लगते हैं ओवरऑल खत्म होने में, पर वो अच्छा रहता है। लेकिन अभी क्या है, मौसम है ठंडा, तो मुझे हीना या फिर इंडिगो पाउडर सूट नहीं करेगा, सर्दी हो जाएगी। तो ये जो मैं हेयर कलर यूज कर रही हूँ, जैसे बहुत लोगों के मन में होता है कि क्या प्रेगनेंसी में बालों को कलर कर सकते हैं या नहीं कलर कर सकते हैं, तो वैसे देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपना बता सकती हूँ जितना मैंने रिसर्च किया है। तो आप जो बाहर जाके ब्यूटी पार्लर पे जो करवाते हो ना, पूरा जो कलर करवाते हो जिसमें ब्लीच भी होता है, जैसे मैंने करवाया था बहुत ही सुंदर सा ब्लू ग्रीन ओम्ब्रे कलर ना, तो देखा था आपने, मैंने पूरा ब्लीच करवाया था। तो ब्लीच एक्चुअली आपको नहीं करवाना चाहिए, अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। पर घर पे अगर आपके पास कोई भी हर्बल कलर है ना, मार्केट में आप रिसर्च कर लो, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं कोई पर्टिकुलर आपको ब्रांड नहीं बोल रही हूँ कि ये लगाइए वो लगाइए, जो आपको ठीक लगता हो तो आप लगा सकते हो इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 मिनट इसको बस रखना रहता है, मैं सिर्फ आगे की तरफ में करूंगी। अगर आपको लगता है कि स्मेल बहुत स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर हेयर कलर की, तो आप मास्क लगा लो। आपके पास नेचुरल इंडिगो पाउडर अगर है तो आप उससे भी कर सकते हो, पर भाई ठंडा का भी मौसम हो गया ना, तो मुझे तो जुकाम हो जाएगा। तो मुझे कहाँ करना है, सिर्फ ऐसे आगे आगे, और मैं देखिए करूंगी एक हेयर ब्रश से नहीं, टूथ ब्रश से, क्योंकि इससे ना मैंने नोटिस किया है कि ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है, तो बस मुझे आगे आगे करना है ना, तो ये अच्छा रहता है। और देखिए वैसे मैं कर रही हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप भी करने लगी है, ऐसा मत करिएगा, किसी को भी देख करके सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्राई मत करिए। अगर आपके मन में डाउट है तो डॉक्टर से पूछ लीजिए। मैं अपनी जर्नी दिखा रही हूँ ना, तो मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं वो दिखाती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो फॉलो करना है, या मैं बोल रही हूँ आप भी फॉलो करिए,
आपकी अपनी डिसीजन, अपना लाइफ, सोच समझ के जो करना है करिए। और मैंने कितनी बार कर लिया पता है हेयर कलर, अभी तक मैं ये दूसरी बार कर रही हूँ। एक बार हेयर कलर के, एक बार स्टार्टिंग में इंडिगो वाला किया था, उसके बाद फिर एक बार हेयर कलर किया था, और अभी फिर से हेयर कलर ही मैं कर रही हूँ। लगा लिया अच्छे से, सिर्फ आगे की तरफ लगाया है एक्चुअली, मुझे पीछे कहीं पे और हैंड तो जरूरत नहीं है, बस आगे की तरफ जरूरत है। तो क्या दो कलर का हो जाएगा बाल मेरा, पीछे का कलर अलग हो जाएगा आगे का अलग हो जाएगा? नहीं, मैंने पर्टिकुलर वही वाले कलर चूज किए जो मेरे हेयर कलर पे सूट करे, तो ऐसा आपको पता नहीं चलेगा कि दो कलर है, मैंने हाफ ही कलर किया है। वैसा इसमें जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल भी नहीं है, तो वैसे कि ये लगाने की जरूरत पड़े मास्क, पर फिर भी अगर आप लगा लेते हो 15 मिनट के लिए ठीक है। मैंने कोटेशन लिखा है अभी यहाँ स्टिकर पे, और मैं अंगद को लेकर आई हूँ कि बताने के लिए कि क्या लिखा है मैंने, क्या मतलब है इसका। यू नीड बिग ब्रेन टू अंडरस्टैंड। यस, डू यू हैव बिग ब्रेन्स? वेरी बिग। तो बताइए कि ये क्या है। मनी, लव, टाइम। ठीक है, वेल्दी। रिच होता है जिसके पास ज्यादा मनी होता है, थोड़ा कम लव होता है, और टाइम तो बहुत ही कम होता है, वो हो गया रिच। और जो वेल्दी है उसके पास मनी भी बहुत सारा रहता है, लव भी बहुत सारा रहता है, टाइम भी बहुत सारा रहता है। Yeah. तो क्या होने में फायदा है, रिच या वेल्दी? वेल्दी। इसमें एक और चीज ऐड करनी, क्या है? जो है हेल्थ। हाँ करेक्ट, इसमें हेल्थ तो नहीं, वो तो रिच के पास भी हो सकता है ना, ये तो इन जनरल नहीं बोल सकते है ना। नहीं, जरूरी नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं वेल्दी वो कहलाएगा जिसके पास भले मनी कम है, लव और टाइम ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पैसे तो सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं, पैसे के बिना फिर नहीं चल, नहीं बिल्कुल नहीं चल सकती है। और खास करके आजकल टमाटर का दाम देखा है? बाप रे, अंगन मुझे आज बोल रहा था, मैंने बोला दो टमाटर काट दो, कह रहा दो टमाटर, इतनी महंगी सब्जी। Oh यार बहुत, क्या रेट है आप लोग कमेंट करिए, यहाँ पे क्या चल रहा है अपने को। मैं अभी हाल फिलहाल नहीं लिया है, लास्ट टाइम 2 किलो ले लिया था मैं। अभी आई थिंक सो उससे भी बढ़ गया है, अभी बढ़ गया है ना, 150 200 भी चला गया है, मैंने तो सुना है 200 भी चला गया है। यार बहुत महंगा है, तो इसीलिए हाँ मनी इज इम्पोर्टेंट। उससे सस्ता तो बासमती राइस आ रहा है। हाँ ना, एक्चुअली, एंड हर दिन कम से कम 2 टमाटर तो यूज होते ही है। और हमारी कुक तो पहले और ज्यादा करती थी, अभी बेचारी 2 करने लगी। चलिए, तो मैंने आज कितना कटवाया, देखिए 1.5 टमाटर कटवाया, क्योंकि बड़ा नुकसान हो गया आज हमारा, आधा टमाटर हमारा खराब निकला। ये देखो, तो आज का कोटेशन बताता है कि धनी होने में और धनवान होने में क्या डिफरेंस है, जिसके पास सब कुछ है बैलेंस्ड है वो धनवान है। एनीवेज देखिए, बाल मेरे सूख गए हैं और कलर अब आपको पता चलेगा कि पूरा यहाँ पे अच्छा से चढ़ गया, बड़ा अच्छे से 15 मिनट में हो जाता है। और मेनली तो ये एरिया में था ना, देखिए अच्छे से अभी दिख रहा होगा, वरना तो ऐसे आप बाल अगर बांधिए ना तो मेरे यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। पर चलिए अच्छा हो गया। वैसे बहुत लोग हैं जो कंफर्टेबल होते हैं ग्रे हेयर्स के साथ में भी, बहुत लोग नहीं भी होते, पर्सनल चॉइस है, मुझे नहीं अच्छा लगता पर्सनली, मैं चाहती हूँ कि ये ब्लैक रहे, मेंटेन रहे, तो मुझे तो अच्छा लगता है, आसान तरीका। एनीवेज तो आई हूँ बनाने के लिए लंच, फटाफट बना लूंगी, जो टाइम लगना है एक्चुअली ये दाल बनने में लगना है, बाकी साथ साथ में राइस भी बना लूंगी, क्योंकि निकलना है बाहर, तो सोच रहे हैं कि 2-2.5 बजे तक ना निकल जाए, क्योंकि बारिश आ सकती है, फिर बेकार का शाम को ट्रैफिक में फंस जाएंगे, तो खाना वाना खा के तुरंत निकलना है हमें। रेडी हो गए, फाइनली निकल रहे बाहर। एक्चुअली मुझे तो लगा था ना कि नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद ना लेटने के लिए गई, और उसके बाद जो आलस आ रहा था, मन कर रहा था सो जाऊं, फिर अंगद ने बोला चलो जरूरी काम है कर लेते हैं, मुझे कहा चलो ठीक है। अच्छी बात यह है कि मंडे को भी अंगद की छुट्टी है, मतलब कोई फेस्टिवल नहीं है, उसके अपनी टीम की कुछ छुट्टी है, तो मंडे भी छुट्टी, तो मैं बोली थी कल चले जाते हैं ना, कल भी छुट्टी है, कह रहा नहीं आज काम खत्म करेंगे फिर कल पे तुम छोड़ोगी। तो फाइनली अब 3 बजे निकलने वाले हैं, वरना हम लोग 2-2.5 तक निकल जाते, पर कोई नहीं, अच्छा है। अब मैंने क्या पहना है मैं दिखाती हूँ,
तो हम लोग किस काम के लिए जा रहे हैं? अच्छा वो बताऊंगी बाद में गाड़ी पे, पहले दिखाती हूँ पहना क्या है। कलर जो है ना इस ड्रेस का, एक्चुअली थोड़ा सा ना डार्कर शेड में, थोड़ा सा कैमरा में देख रही हूँ तो हल्का सा लाइट लग रहा है, पर इससे थोड़ा डार्कर मैंने ना ये वाला बचा के रखा था, ये सोच करके कि एक दिन ना डिस्क या पब कहीं पे जाएंगे, बाद में तो फिर कुछ महीने जाने का टाइम मिलेगा नहीं मौका, तो एक दिन जाते, वो प्लान है मेरा, तो उसके लिए मैंने ना ये वाला सोच के रखा था कि उस दिन ये पहनूंगी, पर वो मौका लग नहीं रहा है। शाम के बाद में कुछ ना कुछ काम हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, फिर लगता है रश होगा बहुत ज्यादा, आलस आ जाता है, तो इस चक्कर में टलता जा रहा है, वरना मैंने ये सेकंड ट्राइमेस्टर से सोच के रखा है। एक आध पब तो हम लोग गए थे, पर एक अच्छा वाला जाने का मन है, पर वो नहीं हो पा रहा है, अभी इस वीकेंड भी नहीं हो पाया, कुछ काम आ गया, अगला वीकेंड कुछ और प्लान से हमारे, अगला वीकेंड शायद हो सकता है, पता नहीं, तो जो भी है तो मैं तो पहन लेते हैं, कोई नहीं, इस बचा के रख के फायदा नहीं है, और अगर जा रहे होंगे फिर से रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, पर मुझे तो अच्छा लगता है, मिंत्रा से लिया है एज यूजुअल, मुझे पता है कमेंट्स आएंगे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। हर मंथ अंगद मुझे कुछ गिफ्ट देता है, ये तो आपको पता ही होगा, उस डेट पे देता है जिस डेट में मैंने उसको प्रेगनेंसी न्यूज रिवील करी थी, तो ये तो अब हर महीना देखते हो क्या क्या गिफ्ट देता है। इस मंथ का ना क्या हुआ, हर बार ऐसा होता है, जब भी वो डेट नजदीक आ रही होती है ना तो मैं अंगद को पूछना स्टार्ट करती हूँ, गिफ्ट ऑर्डर कर दिया। तो इस बार जब मैंने पूछा तो कह रही नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, गिफ्ट के बारे में ही करनी है, और इतना ज्यादा कोइंसिडेंस हुआ कि जो इसने सोचा ना उसी बारे में मैं भी सोच रही थी कि मुझे वो चीज करनी है, और वही अंगद ने भी सोच रखी थी। तो रीड योर माइंड, तो इसने बोला इनसाइड योर हार्ट एंड ब्रेन बोथ। अभी मेरे पास दो दो ब्रेन है, दो दो हार्ट है। एक ही मैंने जो पाएगा, अभी दूसरा वाले का कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो अपने मन का मालिक है। तो अंगद ने, हाँ तो क्या हुआ, हम दोनों सेम चीज सोच रहे थे कि मुझे ना एक फोन लेना है, एक्चुअली जो मेरा पर्सनल फोन है ना वो बहुत ही पुराना हो गया है और टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, तो वो स्लो हो गया, अच्छा नहीं है उसका कैमरा वगैरह भी, तो वो एक था कि चेंज करना है। अभी क्या होगा ना, आगे जाके ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जो मुझे होगा कि कैप्चर करे और रखे, तो उसके लिए एक फोन हैंडी होना चाहिए अच्छा वाला। तो अंगद ने मुझे वही बोला कि मैं सोच रहा हूँ एक फोन गिफ्ट करने का इस बारी तुमको, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम साथ में चलो, देखो क्या तुमको लेना है, कैसा लेना है, तो फिर वो इस मंथ का गिफ्ट हो जाएगा। मैंने कह रही ये तो तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली, मुझे यही चाहिए ही था एक्चुअली। तो वैसे तो ऑनलाइन ही लेते आ रहे फोन बहुत टाइम से, लेकिन क्या ना ऑफलाइन एक्सपीरियंस था, एक बार देखना रहता है ना कैमरा वैमरा कैसा है नहीं है, तो वही हम लोग जा रहे हैं, जाके देखते हैं अगर ऑफलाइन लेना हुआ। एक मेरी और एक सोना की, ऑनलाइन विदाउट कंसेंट आप नहीं ले सकते हो। सोना के लिए वो है फोन, मेरे लिए वो है जूते और चप्पल। ओ सच में, अंगद के लिए जूते चप्पल ऑनलाइन कभी मैं नहीं लेती हूँ, वो उसको चाहिए ऐसा बहुत ट्राई करेगा फिर लेगा। तो पहले आए हैं रिलायंस, यहाँ पे रिलायंस स्मार्ट बोलते ना डिजिटल, तो पहले आए हैं रिलायंस डिजिटल, यहाँ पे मोबाइल देख लेते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर क्रोमा भी जाएंगे। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। पसंद नहीं आया फोन, आजकल जो सारे फोन है ना, सैमसंग भी देखा और भी देखा, प्राइस इतनी ज्यादा रहती है 60, 70, 75, और जब आप उसका कैमरा देखते हो तो मजा नहीं आता है, मतलब दाम बढ़ता जा रहा है और कैमरा क्वालिटी लग रही है कि कम होती जा रही है। मुझे मेनली कैमरा क्वालिटी से ही मतलब है, मुझे और ज्यादा तो दिमाग लगाना होता नहीं है, बाकी तो सब ठीक ही ठाक है, बस कैमरा क्वालिटी में क्या होता है ना, कहीं पे स्किन आप देखोगे ना तो रेड कर देते हैं, अजीब सा होंठ लाल, आंख लाल, ऐसा कौन दिखता है। थोड़ा तो मानती हूँ मैं, फोन से अगर आप ब्लॉक करोगे ना तो हल्का सा सॉफ्टनिंग होती है, मतलब जैसा कि आप रियल आंखों में देखते हो ना वैसा नहीं दिखता स्किन, पर फिर भी स्किन जैसा ही दिखना चाहिए ना, लाल तो नहीं हो जाना चाहिए, तो वो सब प्रॉब्लम थी। इन्हीं में से भी जा रहे हैं हम लोग एक अलग शोरूम में, सैमसंग की शोरूम, वहां पे देख लेते हैं, वहां पे चलता है। मैं आईफोन नहीं लेती हूँ, बहुत लोग आईफोन ले लेते हैं कि आईफोन में ब्लॉगिंग भी हो जाती है और, पर मुझे नहीं लेना, मुझे एंड्रॉइड ही लेना नॉर्मल, तो देखते हैं।
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. खा लिया हमने अच्छे से चाट वगैरह. ये जो दुकान है ना, मैं बता दूं आपको नाम है इसका, संगम स्वीट्स. ये आपको HSR में मिल जाएगा. एक दो और भी इसके लिए अलग अलग होंगे. आई थिंक बैंगलोर में दो तीन जगह पे है, पर बहुत ही अच्छा चाट बनाता है. अंगत एक बार बहुत पहले अंगत ने खाया था, तब से मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे जाना, ट्राई करना. और हमने लिया है खांडवी. आज बहुत दिनों के बाद कहीं पे खांडवी दिखी तो पैक करवा लिया है. उसके अलावा कुछ मिठाइयां ली. मुझे डोडा बर्फी दिख गया जो मुझे बहुत पसंद है. अंगद ने कभी ट्राई नहीं किया था तो वो हमने लिया है घर पे, उसको ट्राई कराएंगे. और भी चाट वगैरह खाया, बड़ा अच्छा लगा. एनीवे फिर से जा रहे हैं क्रोमा. सैमसंग देखा, वहां भी कुछ पसंद नहीं आया, फिर ये खाया. अब जा रहे हैं क्रोमा और वहां पे देखते हैं क्या है. वहां भी कुछ नहीं मिला तो आगे चाय पियेंगे और फिर घर निकल जाएंगे. चलिए फाइनली हमें मोबाइल एक पसंद आ गया, पर अभी हमने नहीं खरीदा है. कल सुबह आकर के लेंगे तो उसमें जो कलर हमें पसंद है वो कल सुबह मिल जाएगा. और फाइनली अंगद को ये वाला ना ऑनलाइन भी पसंद आया था तो वही मिल गया. और ऑफलाइन में भी ठीक ठाक प्राइस मिल रहा है तो फिर यहीं से ले लेते हैं. तो कल सुबह आके ना अंगद लेके चला जाएगा. मैंने सब देख लिया है, बस सुबह आएगा कल लेके चला जाएगा. तो चलिए, जिस काम के लिए निकले थे इतना भटके वो काम भी हो गया. एंड फोन भी अच्छा है अब तो, वो आगे पता चलेगा यूज करते करते कैसा है. पर बहुत टाइम लगे, पता है 7 बज गए. हम लोग 3 बजे निकल गए थे ना, 3 से 7, 4 घंटे हो गए. और वहां पे भी बैठे बैठे ना हालत खराब हो गई मेरी. तो अभी जा रहे घर की तरफ, चाय पीते हुए निकल जाएंगे. और सुबह हमने हम लोग घर के बाहर निकले, चाट खाया, अब चाय पियेंगे घर वापस जाएंगे. और जो दो तीन दुकान भटके, सैमसंग गए, क्रोमा गए, फिर एक क्रोमा गए, रिलायंस गए. पास ही है, आज तो काम नहीं हुआ ना. हाँ, आज नहीं, कल फोन अंगद को सुबह आके लेके जाना पड़ेगा. मैंने कहा ना कल अंगद की छुट्टी है, वो एक अच्छी बात है मंडे को. फिलहाल चलिए, ये व्लॉग मैं सुबह से बना रही हूँ, इसको मैं यहीं तक रखती हूँ. फोन कौन सा लिया क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी. चलिए फिलहाल इसी के साथ, चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार. तब तक आप जगह पे दो लेना पड़ेगा भाई. नहीं भाई, बॉल ले रही है कितना महंगा. मिलती हूँ अगली बार, चलिए बाय बाय.